हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बेसिक लिनक्स के कमांड्स जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, बार बार हमने जो लिनक्स में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे कमांड्स के बारे में, बेसिक कमांड्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं PWD। इसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्ट्री, या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्ट्री भी इसे कहा जाता है। तो अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे PWD, तो ये आपको दिखाएगा कि आप किस डायरेक्टरी में इस वक्त हैं। जैसे कि मैं अब इस वक्त रूट डायरेक्टरी में हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस वक्त रूट डायरेक्टरी में हैं। इसके अलावा एक और कमांड जो है ls कमांड होता है, जो लिस्ट के लिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही दो फाइल्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर हम एक फाइल बना दें जैसे कि टेस्ट, इसमें हम लोग इंसर्ट मोड पे जाके टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ऐसे टेस्टिंग के लिए मैं लिखता हूँ, सेव कर दें। अब की बार अगर ls टाइप करेंगे तो आपको ये टेस्ट दिखाई देगा। अगर आपको किसी फाइल का कंटेंट देखना है, जैसे कि हमने टेस्ट फाइल बनाई है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसको देखने के लिए आपको कैट कमांड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कंकैटिनेशन का शॉर्टकट है। अगर कैट टेस्ट आप लिखेंगे तो ये देखिए, ये 3 लाइन आपको दिखाई देंगे, जो कि कैट कमांड से हो सकता है। अगर आपको इसको रिवर्स में देखना है, तो आप कैट कमांड को उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि टैक TAC आप टेस्ट लिखेंगे, तो देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। वैसे ही अगर आपको कुछ कॉपी करना हो, जैसे कि अगर इस फाइल का कंटेंट आपको किसी और फाइल में डालना है, तो आप कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट 1। ये फाइल भी देख सकते हैं आप, ये फाइल भी क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली, जो पहले प्रेजेंट नहीं थी। आप चाहे तो इसका कंटेंट देख सकते हैं, ये देखिए सेम कंटेंट जो टेस्ट में था यहाँ पर भी आ गया है। मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करूँगा Ctrl+L से। इसके बाद कॉपी कमांड भी हो गया है। एक और कमांड है जो हम MV कमांड, जो हम मूव और रीनेम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि MV test 1, test 2, मैंने ये रन कर दिया। आप देख सकते हैं test 1 जो फाइल थी हमारी, वो test 2 में रीनेम हो चुकी है। हम इसे मूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कमांड को। अब एक और कमांड है, अगर आप डायरेक्टरीज पे काम करने लग गए, तो आपको mkdir, mk का होता है, का मतलब होता है मेक, और dir होता है डायरेक्टरी, यानी मेक डायरेक्टरी। आप कोई भी एक डायरेक्टरी बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ टेस्टिंग नाम से, mkdir टेस्टिंग। अगर हम ls करेंगे तो ये देखिए टेस्टिंग नाम का एक फोल्डर या डायरेक्टरी आ चुकी है। और एक और चीज़ से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लू कलर में होता है। सारे फाइल नेम जो है ब्लैक कलर में है, ये ब्लू कलर में है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है, तो ls-l भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्टिंग ब्लू कलर में है, और इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर d मेंशन किया हुआ है स्टार्टिंग में। इसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टरी है, ये फाइल नहीं है। उसी तरह से अगर आपको इसके अंदर जाना है, जैसे कि आप टेस्टिंग फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप cd करके जा सकते हैं। cd कमांड रन करके cd space testing। अब आप अगर pwd रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप टेस्टिंग फोल्डर के अंदर हैं। इसके अंदर भी आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, जैसे कि testing1, अगर मैं एक फाइल बना दूं, देखिए इसके अंदर एक फाइल भी आ गई है। अगर आपको इससे बाहर जाना है, तो आप cd space .. दबाएंगे तो आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, हम उसके बाहर आ गए। अब दोबारा आप देखेंगे तो अब आप रूट डायरेक्टरी में हो। वैसे ही अगर आपको इस, समझ लीजिए अब ये डायरेक्टरी तो बन गई है टेस्टिंग, अब अगर आपको इसको रिमूव करना है, तो आपको सिंपली rmdir टेस्टिंग, rm का मतलब होता है रिमूव, dir यानी डायरेक्टरी। अगर आप rmdir टेस्टिंग लिखेंगे तो ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने कंटेंट रखा हुआ है, सबसे पहले हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर एक फाइल पड़ी है, इसीलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है।
अगर आपको फाइल भी डिलीट करना है तो आरएम कमांड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डीआईआर लगाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक फाइल है। तो आरएम टेस्टिंग वन अगर आप लिखेंगे, वाई कन्फर्मेशन और यस लिख सकते हैं। अब अगर आप आरएम डीआईआर टेस्टिंग लिखेंगे तो ये डायरेक्टरी रिमूव हो जानी चाहिए। बाहर आना पड़ेगा सबसे पहले, rmdir टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग डायरेक्टरी जो है अब नहीं दिखा रही है क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया या फिर डिलीट कर दिया है। तो cd कमांड भी हमने देख लिया, जैसे कि जिसकी मदद से हम डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको होस्ट नेम देखना है कि जो मैंने सर्वर में या फिर डेस्कटॉप में लॉगिन किया है इसका नाम क्या है, होस्ट नेम, होस्ट नेम कमांड सिंपली आपको इस जो सर्वर का या फिर लैपटॉप का या फिर आपने जो भी नाम रखा होगा उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक और कमांड होता है यूनेम। यूनेम की मदद से भी आप बहुत सारे डिटेल्स देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, यूनेम हाइफन आर, यूनेम हाइफन ए, इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आप फिलहाल आप इसके इसके लिए ये जान सकते हैं, यूनेम कमांड जो है गेस्ट ओएस के लिए होता है। आप पूरा डिटेल देख सकते हैं यूनेम हाइफन ए लगा के। एक और कमांड होता है क्या, अगर आपको एक पर्टिकुलर कमांड का लोकेशन फाइंड करना है, जैसे कि एक कमांड होता है लिनक्स में एफ डिस्क, आपको पता करना है कि एफ डिस्क कमांड जो है कहाँ पे सेव है, तो आप सिंपली वेयर इज कमांड यूज़ कर सकते हैं, वेयर इज एफ डिस्क। तो ये आपको उसका लोकेशन दिखाएगा कि एफ डिस्क कमांड इस लोकेशन में है, इससे आप पता चल जाएगा। या फिर एक और कमांड है विच, विच एफ डिस्क अगर आप टाइप करेंगे तो वो भी आपको सेम आउटपुट देगा कि इस लोकेशन पे ये पड़ा हुआ है। अब आपको फाइल के बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हम लोग वी आई एडिटर के थ्रू जो है हम लोग फाइल बना रहे थे, एक और ऑप्शन है टच, समझ लीजिए टच F1। आप जितने चाहे सिंपली यहाँ पर फाइल बना सकते हैं। अगर आप पहले से करेंगे तो आपको पता चलेगा देखिए तीन फाइल बन चुके हैं। सिंपली फाइल क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, सिर्फ टच कमांड से आप एक फाइल बना सकते हैं। एक और ऑप्शन अगर फाइल के अंदर देखा जाए तो जब हम लॉक्स देखते हैं किसी भी फाइल का या फिर एक बड़ी फाइल का कंटेंट देखते हैं तो हमें टेल कमांड का यूज़ बहुत आता है। जैसे कि समझ लीजिए ये एक फाइल है जिसमें 100 लाइंस पड़े हुए हैं और आपको इसके आखिरी 10 लाइन देखने हैं, तो आप टेल कमांड यूज़ कर सकते हैं। फिर उन 10, समझ लीजिए 10,000 लाइन भी है तो उसके लास्ट के 10 लाइन आपको दिखाई देंगे, टेल कमांड और लेस कमांड। यहाँ पे तो सिर्फ ये फाइल सिर्फ छोटी है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा रहा है क्योंकि तीन ही लाइन है इस फाइल में, तो ज़्यादा नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी फाइल है जिसमें बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और आपको आखिर के 10 लाइन देखना है, नॉर्मल जब हम लॉग चेक करते हैं तो आखिर में जो लेटेस्ट अपडेट देखना होता है जहाँ पर एरर्स आ रही है वो देखने के लिए हम नॉर्मली टेल और लेस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर आपको किसी कमांड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको फाइंड करना है कि ls कमांड हमने देख लिया उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि ls कमांड करता क्या है, तो आप वॉट इज़ कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉट इज़ ls, तो ये आपको दिखाएगा लिस्ट डायरेक्ट कंटेंट्स। ये इस कमांड का यूज़ है। ये आपको किसी भी कमांड के बारे में जानकारी चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि वॉट इज कंफिग, ये जो है कंफिगर नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस के लिए ये पूरी जानकारी देता है, ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर आपको एक और कमांड है जैसे कि वेरियस हमने देखा था लोकेट कमांड, जैसे कि हम समझ लें लोकेट फ्रंट टैब दिया तो इसके बारे में ये लोकेट करके बताएगा कि यहाँ पे कहाँ पे फ्रंट टैब जो है लोकेट हुआ है, जैसे कि वेरीज हमने देखा था वैसे ही ये कमांड भी होता है। तो ये सारे बेसिक कमांड्स हैं, और भी बेसिक कमांड्स हैं, मैं
अगले वीडियोस में लाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर जल्द से जल्द छोटे छोटे वीडियोस में शॉर्टकट में जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।